सो हे गाइस, आज के टाइम में यूपीआई ट्रांजेक्शन का जो लेन देन है ना, मतलब कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसका रीजन ये है कि कोई भी पेमेंट हम करते हैं तो बहुत ही इंस्टेंट जो है दूसरे के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन का आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कई बार आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो यूपीआई के, या पेमेंट आपका होल्ड हो जाता है, फंस जाता है, या फिर कई बार आपको टेक्निकल इश्यू बता दिया जाता है कि सामने वाला जो रिसीवर बैंक है उसमें कोई टेक्निकल इश्यू है जिस कारण से आप यहाँ पर पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे केसेस आपके साथ भी हुए होंगे, तो आपके साथ में हुआ है या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन जितने भी एप्लीकेशन है सभी अपने अपने तरह से ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम फोन पे की बात करें तो फोन पे में अभी कुछ टाइम पहले यानी एक साल पहले एक इशू आया था कि यस बैंक बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ गई। तो उस टाइम फोन पे का यूज करके कहीं पर यूपीआई मनी ट्रांसफर वगैरह नहीं कर पा रहे थे। बाद में सारी चीजें सेटल हो गई, ठीक हो गई, तो उसके बाद फोन पे ने क्या किया? फोन पे ने बहुत सारे बैंकों के साथ, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक तो उसका पहले से ही पार्टनर बैंक था ही, तो दो और बैंकों के साथ में उसने पार्टनरशिप करके अपने यूपीआई ट्रांजेक्शन को और अच्छा कर दिया। यानी सपोज कीजिए यस बैंक का टेक्निकल इश्यू वगैरह चल रहा है, लेकिन फोन पे में टेक्निकल इश्यू नहीं चलेगा क्योंकि आप यहां से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही बैंक के साथ में पार्टनरशिप नहीं है, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक का भी यूपीआई आईडी आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो यही चीज किया है अमेज़न एप्लीकेशन ने। अमेज़न ने अब टाई अप कर लिया है यस बैंक के साथ में। पहले से भी आप अमेज़न पे में यूपीआई का सर्विस यूज कर ही रहे थे, लेकिन पहले सिर्फ एक बैंक ही इसका पार्टनर बैंक था। तो यहाँ पर अगर आप अमेज़न एप्लीकेशन का यूज करके किसी को पेमेंट करते थे तो कई बार आपको इश्यू आता था कि पेमेंट नहीं जाता था या फंस जाता था या होल्ड हो जाता था, लेकिन अब आपके साथ में इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े इस कारण से अमेज़न पे ने एक और बैंक के साथ में टाई अप कर लिया है, जिससे आपको और भी ज्यादा इजी टू यूज हो जाएगा और आपकी ट्रांजेक्शन जो है फंसने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने फोन पे के साथ में पहले ये चीजें कर चुके होंगे क्योंकि इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ फोन पे में आप नया यूपीआई आईडी को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, तो वो सिस्टम आपको पता होगा। तो उसी तरह से आप अमेज़न एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, लेकिन अभी ये चीज आने वाली है। अभी आपको अमेज़न पे में इस तरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप होने के बाद में अब आपको जो यूपीआई आईडी मिलेगा ना, वो आपका जो मोबाइल नंबर होगा या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज सेटअप कर सकते हो अपने नेम वगैरह, उसके बाद में अब आपको YAPL लगाकर देखने को मिलेगा, @YAPL। पहले आपको सिर्फ आपका नंबर या फिर आपने जो यूपीआई आईडी बना रखी है वो यूपीआई आईडी और @APL देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें APL तो रहेगा साथ में Y भी लग जाएगा। इट मीन्स अब जो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो YAPL यानी यस बैंक के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन होगी। तो इस अपडेट को अगर मैं Amazon यूजर्स के लिए कहूँ तो काफी गुड न्यूज है, क्योंकि उनके पास में अब दो बैंक हो जाएंगे प्रोवाइडर बैंक जिनका सर्विस यूज करके अब वो यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट अभी Amazon एप्लीकेशन में इसको एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं आया है। जैसे ही आ जाएगा मैं इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, कैसे आप इस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे आप यूपीआई सेटअप कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन करके रखिएगा। और आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।